नंबर 70 क्यों पेंशन पाया दे चीज इट्स नॉट सपोज्ड टू बी सर। देखिए आप एक एक गलती काम करते हैं, एक सेकंड सलाम सर, आप पे आप अपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखना, ये कभी भी पेंशनर्स इसके जो ये आपके ऑटोनोमस बॉडीज हैं दे आर नेवर पार्ट ऑफ द स्टेट पेंशंस। स्टेट ऑर्गन डजंट मीन के यू हैव टू नो, स्टेट ऑर्गन तो पीआईए भी है, स्टेट ऑर्गन तो स्टील भी है, तो इसको भी जो है फिर बजट उसी में दे दें। आप किसी ठेकेदार को दे दें वो 2000 आप ठेकेदार ला के दें मुझे जो 12000 बिलियन दे देंगे, यू आप लीड करें ब्रिंग अ ठेका 12000 बिलियन का लाए, मैं आई विल मेक श्योर वी विल गिव इट। आपका सिस्टम रॉटन है बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते, जहां पैसे दे के आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता। आप कंसोर्शियम लाएं जो कि गारंटी करे कि 12000 बिलियन इकट्ठा करेगा, हम सारी एफबीआर को एक साल की छुट्टी पे भेजते। क्यों पेंशन पाया इट्स नॉट सपोज्ड टू बी सर। देखिए आप एक एक गलती काम करते हैं, एक सेकंड सलाम सर, आप पे आप अपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखना, ये कभी भी पेंशनर्स इसके जो ये आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं दे आर नेवर पार्ट ऑफ द स्टेट पेंशंस। आपने पिछले चंद साल पहले प्रेशर में आगे पता नहीं खुश करने के लिए पेंशन में डाल दिया, भैया खुदा का खौफ करो, जनरेट योर रेवेन्यू, योर रेडियो पूरा सेटअप नहीं, स्टेट ऑर्गन डजंट मीन के यू हैव टू नो, स्टेट ऑर्गन तो पीआईए भी है, स्टेट ऑर्गन तो स्टील भी है, तो इसको भी जो है फिर बजट उसी में दे दें आप, तो असूल की बात है जी। बहरहाल हमने नहीं यार इस तरह नहीं है, मैं फाइंड आप दी मेरी बात सुने, हमने सैलरीज एज ए स्पेशल केस दी है, दे आर सपोज टू डू देयर सैलरीज ऑन देयर ओन, अभी सैलरीज दी है और उनको हमने पेशावर जो विजिट हुआ है तो हम सिंपैथेटिकली देख रहे हैं, लेकिन यार इस तरह आप अगर हर चीज़ डाल देंगे स्टेट पे तो अब कैसे चलेगा। और उनको अपने आप को रेवेन्यू इंप्रूव करना चाहिए, एक्सपेंडिचर मैनेज करना चाहिए, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ये, कर दिया जी, इसी से अप्रूवल हो गई, वो ज़ाहिर है कि उसमें कैबिनेट का अप्रूवल होता है उसके बाद रेटिफिकेशन जी। क्या सर इलेक्शन का क्या डिसीजन है सर, आम इंतखाबात का? यार एक मिनट यार भाई, वो सवाल का जवाब देना दो। चलो जी नेशनल बैंक को बता दीजिए, नेशनल बैंक इनकी जी जरान साहब है जी, यार एक सेकंड मैं दस अगर सारे बोलेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा। नहीं एक सेकंड ये सनावला साहब कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है, हर पार्टी अपने अपना व्यूज़ कर रही है, हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान कैलकुलेट करके नगोशिएट करके वर्कआउट करके ECB के साथ वो टोटल बजट -5 बिलियन इस बजट में एज फॉर जनरल इलेक्शन रख दिया गया, नंबर एक। सो दैट शोज दी यू नो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जहाँ तक हमारे अलाइज है, आपने एक उनके हेड का एक पार्टी का अशरफ साहब ने नाम लिया, आपने लिया क्योंकि उन्होंने कोई गैर आइनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है, तो अगर खुदा ना खासा वो ट्रिगर होती है रेलिवेंट क्लॉज तो उसमें फिर है आपका, तो मैं समझता हूँ कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक, उसमें उनके अपने मिनिस्टर मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि एक दो पार्टीज का अगर हेड्स नहीं है कहा है तो उनकी को होगी, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या है, तो ये मेरा मतलब कोई ऐसी इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है हमारी तरफ। टैक्स करना और इतनी बड़ी FBR की मशीनरी है, सारा ऑटोमेटिक टैक्सेस है, 200 अरब रुपए के लिए आपने इतनी टैक्स मशीनरी रखी हुई है, 2000 अरब रुपए की इस साल टैक्स छूट दी गई है, टैक्स छूट सिर्फ 2000 अरब रुपए की दे दी गई है और टैक्स वसूलियों का हदफ आपने 200 अरब रुपए रखा है, तो इससे बेहतर है आप इसको लगते आप खुश नहीं है कि टैक्स नहीं बजट है। आप इसको किसी ठेकेदार को दे दें वो 2000 आप ठेकेदार ला के दें मुझे जो 12000 बिलियन दे देंगे, यू आप लीड करें ब्रिंग अ ठेका 12000 बिलियन का लाए, मैं आई विल मेक श्योर वी विल गिव इट। और सब कुछ किया यार, क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली। आप मेरा ख्याल है आपको इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, वी आर थैंकलेस पीपल समटाइम, उन्होंने मेहनत की है, अब उनके मुंह पे कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, कैसे कहते हैं, किसने 7200 इकट्ठा करना, यही टीम है,
आपका सिस्टम रॉटन है, बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते, जहाँ पैसे दे के आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता। जब टैक्स की बारी आती है तो हम उनके ऊपर पीछे पड़ जाते, इट्स नॉट फेयर। तो मैं समझता हूँ कि हमने अगर 9200 का हदफ रखा है तो एक प्रैक्टिकली अगर हम 9600 का रखते हैं, आप में से आधे बंदे आपके लेफ्ट में बैठे हुए राणा साहब सब लग दिए तो होना ही नहीं। तो यार एक तरफ टैक्सिक लगाने, दूसरी तरफ अब ये सिर्फ 200 क्यों रखा है, 2000 कौन से बताए नहीं सर, 2000 अरब की क्या आप एक्सप्लेन करें। आई थिंक इट इज अ मिथ के 2000 जो हमने छोड़ दिए, कौन से छोड़े हैं बताएं जी चेयरमैन सर। छोड़े एक मैं क्लेरिफाई आपको कर दूं, जो ये ग्रोथ पे जो आपके फिगर्स आते हैं, ये कल भी शायद बात हुई थी टेक्निकल ब्रीफिंग में, इस पे ये अजम्पशन के जी 100% ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में एक टैक्स कंप्लायंस का गैप रहता है, जिसकी वजह से जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो थ्रू इन्फोर्समेंट उसको पूरा करते हैं। पाकिस्तान में भी वो गैप है और उस गैप को हम पूरा करते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। जो जापानीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी है, जापान जैसे मुल्क के अंदर। सो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में कहीं पर कोई टैक्स नहीं आता, थ्रू इन्फोर्समेंट आपको ये गैप कवर करना पड़ता है। जो आपके जो आपने लेवी भी की हो ना टैक्सेस, वो भाई वो भी नहीं आएंगे, तो उसके लिए तो मैंने हमें ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसमें रूम है, बहुत लोग कहते हैं, मैंने भी आर्टिकल पढ़े जी 12,000 है 15,000 है, को आए ना आगे जाके बताए कि अभी कहाँ 15, वी विल एंटरटेन दैम, उनको मैं उनसे उनको रिकमेंड करूँगा, अगर हो जाए कामयाब से सारा इम्तियाज दिलवाए, जो आप कंसोर्शियम लाएँ जो कि गारंटी करे कि 12,000 बिलियन इकट्ठा करेगा, हम सारी FBR को एक साल की छुट्टी पर भेजती।